किसी एक कॉलेज में बहुत गरीब लड़का पढ़ता था और वह सक्सेसफुल होने के रास्ते ढूंढता रहता था, जो कि उसे अपनी क्लास में तो कहीं भी नहीं मिल रहा था। तभी उसने अमीर बनने का सफर स्टार्ट किया। उसने ये डिस्कवर किया कि अमीर होने के लिए सीखना पड़ेगा कि अमीर लोग सोचते कैसे हैं। उसने काफी सालों तक अमीर लोगों का इंटरव्यू किया और उनकी सोच को एक आम आदमी की सोच से कंपेयर किया। तब जाकर उन्हें फील हुआ कि वह 25 साल से गरीबों की तरह सोच रहे थे, और जैसे ही उन्होंने अपनी सोच को चेंज किया वैसे ही जो पैसा है उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। और वो थे स्टीव सीबोल्ड। और ये सब बताया गया है हाउ रिच पीपल थिंक बुक में। एक इंपॉर्टेंट बात, मैं तुम्हें इसमें 7 पॉइंट्स बताऊंगा, तो इनमें से इस लास्ट वाले पॉइंट को गलती से भी मिस मत करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 1, रिच पीपल थिंक बिग पुअर पीपल थिंक स्मॉल। एक समय की बात है, एक शहर में रहने वाला मोंटी गरीब फैमिली से था, जबकि दूसरी ओर शहर में रहने वाला आर्यन अमीर फैमिली से था। दोनों दोस्त थे लेकिन उनकी सोच और अप्रोच बहुत अलग थी। एक दिन मोंटी और आर्यन ने अपने सपनों और गोल्स के बारे में बात की। मोंटी ने अपने सपनों को छोटा सोचकर लिमिटेड कर दिया। उसने सोचा कि उसके पास कम रिसोर्सेज हैं और उसकी करंट सिचुएशन उसे रोक रही है। उसने अपने थिंकिंग को लिमिटेशन में बंद कर दिया। वहीं आर्यन ने अपने सपनों को बड़े तरीके से सोचा। उसने अपने सपनों को रियलिटी से नहीं जोड़ रखा था। वो हिम्मत से बड़े गोल्स बनाता और उन्हें पाने के लिए कदम उठाता। उसने अपनी सोच को ऑडिशियस बना दिया। समय बीत गया और एक दिन एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दोनों के सामने आई। मोंटी डर कर उस अपॉर्चुनिटी से हट गया। वह सोचता था कि वह उसके लिए बहुत बड़ा है और उसकी लिमिटेड सोच उसे रोक रही थी। लेकिन आर्यन ने अपॉर्चुनिटी को देखा और उसे न्यू अपॉर्चुनिटी का दरवाजा समझा। आर्यन ने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और उससे अपने बिजनेस को बढ़ाया। वो अपनी बड़ी सोच और हिम्मत से गोल्स तक पहुंच गया, जबकि मोंटी अपनी लिमिटेड सोच और छोटे सपनों की वजह से मौके को खो दिया। यही वजह है कि गरीब गरीब रह जाता है और अमीर हो जाता है। नंबर 2, रिच पीपल एम्ब्रेस चेंज पुअर पीपल फेयर इट। दोस्तों, एक बार एक खेत में दो किसान थे, राम और श्याम। उनके पास एक नई तरह की फसल के लिए बेहतर टेक्निक आई थी। राम, जो अमीर लोगों की तरह बड़ा सोचने वाले लोगों से इंस्पायर हुआ है, वो इस नई टेक्निक को अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। उसको ये पता है कि इस चेंज से उसकी खेती और प्रॉफिट बढ़ सकता है। वो तैयार है नए तरीके को सीखने के लिए और अपने खेत में उसका इस्तेमाल करने के लिए सही तरीके से लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ श्याम, जो गरीब और छोटी सोच वाले लोगों के बीच में अटका हुआ है, उसे चेंजेस से डर लगता है। उसको ये लगता है कि नई टेक्निक यूज करने से उसकी खेती खराब हो सकती है, उसकी खेती खराब हो जाएगी और वो लॉस कर लेगा। इसलिए वो अपने पुराने तरीकों पर अटक जाता है और नई तरह की चेंजेस से दूर रहता है। इस एग्जाम्पल से समझ में आता है कि अमीर लोग चेंजेस को अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में देखते हैं। वो उसमें अपने प्रॉफिट को फाइंड करते हैं और इसका सही इस्तेमाल करने के तरीकों को ढूंढने लगते हैं। और वहीं गरीब लोगों को डर लगता है और वो चेंजेस से दूर रहते हैं। इसकी वजह से उनका डेवलपमेंट स्टॉप हो जाता है। नंबर 3, रिच पीपल एसोसिएट विद पॉजिटिव सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स। सोचिए, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड है, राहुल और मोहन। राहुल जो अमीर लोगों की तरह आइडियाज में बड़ा सोचने वाले लोगों से अफेक्टेड हुआ है, वो अपने दोस्तों के साथ रहकर खुद को भी मोटिवेट करता है। उसको ये पता होता है कि सक्सेसफुल पीपल से जुड़ने से उसकी खुद की सोच और सक्सेस में भी इम्प्रूवमेंट होता है। इसलिए वो अपने दोस्तों और सक्सेसफुल पीपल के साथ टाइम स्पेंड करता है। उसने उनसे सीखा और उनकी इंस्पिरेशन से अपने गोल्स की तरफ बढ़ा। लेकिन मोहन, जो गरीब और छोटी सोच वाले लोगों में अटका हुआ है, उसे सक्सेसफुल पीपल से दूर रहना पसंद है। उसको ये लगता है कि सक्सेसफुल पीपल से मिलने से उसकी कमजोरी या कमी खुल जाएगी, इसलिए वो ऐसे लोगों से दूर रहता है। पर इससे उसको गाइडेंस, टिप और मोटिवेशन का फायदा नहीं मिल पाता और उसकी सक्सेस पर असर पड़ता है। तो आपको भी सक्सेसफुल पीपल के साथ जुड़ना चाहिए। उनसे मिलने में हमारी थिंकिंग और सक्सेस में इम्प्रूवमेंट होती है। सक्सेसफुल पीपल के साथ टाइम स्पेंड करना हमारी मोटिवेशन और ग्रोथ को बढ़ाता है। नंबर 4, रिच पीपल आर विलिंग टू प्रमोट। दोस्तों, रिच लोग अपने आप को और अपनी किस्मत को प्रमोट करने के लिए प्रोएक्टिव होते हैं। वो अपनी स्किल्स, नॉलेज और अचीवमेंट को दूसरों के सामने दिखाने में माहिर होते हैं, जिससे उसकी अपॉर्चुनिटी और विजिबिलिटी बढ़ती है। जब कोई अपने आप को और अपनी किस्मत को प्रमोट करता है, तो वो अपने टैलेंट, एक्सपर्टीज और यूनिक क्वालिटीज को दिखाकर दूसरे लोगों को अपने वैल्यू का एहसास दिलाता है।
एक एग्जांपल से समझते हैं। रितु एक स्टार्टअप कंपनी की फाउंडर है। वो अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट सर्विस को मार्केट में प्रमोट करने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच रखती है। रितु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का सही तरीके से इस्तेमाल करती है। वो अपनी कंपनी के अचीवमेंट, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स और सक्सेस स्टोरी को शेयर करती है ताकि लोगों को पता चले कि उसकी कंपनी की वैल्यू क्या है और कैसे वो दूसरे लोगों की जिंदगी में फायदा पहुंचा सकती है। रितु अपने एक्सपर्टीज को दिखाकर कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और नेटवर्किंग इवेंट में भी एक्टिव रहती है, जहां अपने इंडस्ट्री में अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है और लोगों को अपने वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में समझाती है। इसके अपोजिट समीर एक टैलेंटेड राइटर है, लेकिन वो अपने आप को और अपनी किस्मत को प्रमोट करने में हेजिटेशन फील करता है। वो अपने लिखे हुए आर्टिकल्स और स्टोरी को सिर्फ अपने पर्सनल ब्लॉग पर ही शेयर करता है और दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपने राइटिंग स्किल को दिखाने के लिए कम प्रोएक्टिव है। समीर को लगता है कि सेल्फ प्रमोशन लोगों को इरिटेट कर सकता है या वो इगोस्टिक हो सकते हैं। इस तरह की हेजिटेशन की वजह से समीर की विजिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी पर इम्पैक्ट पड़ता है और उसकी राइटिंग करियर में ग्रोथ महसूस नहीं होती है। नंबर 5, रिच पीपल लेवरेज अदर पीपल्स मनी। हाँ बिल्कुल, अमीर लोग अपनी वेल्थ और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों के पैसे का इस्तेमाल करते हैं। वो एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जिसे हम लेवरेज कहते हैं। लेवरेज का मतलब है कि किसी चीज का इस्तेमाल करके हम उस चीज को बढ़ाकर या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। राज एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, लेकिन उसके पास इतना कैपिटल नहीं है जो उसकी रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज को खरीदने में हेल्प कर सके। इसलिए राज ने एक इन्वेस्टर से पार्टनरशिप किया जिसके थ्रू वो दूसरे लोगों के पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। इन्वेस्टर ने राज को एक सस्टेनेबल अमाउंट इन्वेस्ट किया जिसे राज बिजनेस के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। राज ने इस इन्वेस्टमेंट के साथ अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को एनहेंस किया। इस तरह से राज ने दूसरे लोगों का पैसा लेवरेज किया जिससे उसके बिजनेस की वैल्यू और रिटर्न्स मल्टीप्लाई हो गई। इस तरह से रिच पीपल अपने फाइनेंशियल सक्सेस को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों का पैसा लेवरेज करते हैं। इससे उनकी वेल्थ और इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। हम भी इस प्रिंसिपल को समझे और सही तरीके से अपने फाइनेंशियल डिसीजन को लेंगे ताकि हम भी अपनी फाइनेंशियल पोजिशन को बढ़ा सकें। नंबर 6, रिच पीपल फाइंड पीस ऑफ माइंड इन वेल्थ। दोस्तों, रिच लोग के लिए वेल्थ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ में। वेल्थ से उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है जिससे वो अपने बेसिक नीड्स जैसे खाना, कपड़ा, मकान को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलती है जिससे वो इमरजेंसी सिचुएशन और अनफॉरसीन सरकमस्टेंसेस से बेटर तैयार कर सकते हैं। वेल्थ के साथ अमीर लोग अपने सपनों और पूरा करने के लिए एक एक्सपीरियंस करते हैं। वो अपने गोल्स, पैशंस और इंटरेस्ट के लिए टाइम और रिसोर्सेज निकाल सकते हैं। उनकी लाइफ फुलफिल और मीनिंगफुल हो जाती है। वेल्थ उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और चॉइस को बढ़ाता है जिससे वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की अपॉर्चुनिटी पाते हैं। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि वेल्थ खुद में पीस एंड हैप्पीनेस नहीं लाता। वो सिर्फ एक मीडियम है, एक टूल है जिसके साथ रिच लोग अपनी लाइफ को एनहेंस करते हैं। असल पीस एंड हैप्पीनेस उनको उनके अकॉम्प्लिशमेंट्स, एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप से मिलते हैं। ये रिच लोग अच्छे से समझते हैं और अपने वेल्थ को एक बैलेंस तरीके से यूज करते हैं। इसलिए वेल्थ के साथ सही माइंडसेट और पर्सपेक्टिव रखना जरूरी है ताकि हम अपनी लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस को पा सके, चाहे हम फाइनेंशियली वेल ऑफ हो या ना हो। नंबर 7, पीपल रिच बिलीव दे मस्ट बी विजिलेंट टू स्टे वेल्दी। रिच लोग अपनी वेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। उनको पता होता है कि वेल्थ का खोया जाना या कम होना उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। इसलिए वो अपने फाइनेंशियल मैटर को हमेशा विजिलेंट रहते हैं। वो अपने इन्वेस्टमेंट, एसेट और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेगुलरली से मॉनिटर करते हैं ताकि उनको किसी भी पॉसिबल रिस्क या अपॉर्चुनिटी का पता चल सके। और इसके साथ ही अमीर लोग अपने फाइनेंशियल नॉलेज और स्किल को भी रेगुलरली से अपडेट करते हैं। वो बाजार के ट्रेंड्स, इकोनॉमिक चेंज एंड फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में नॉलेज रखते हैं। इससे उनको पता चलता है कि उनके इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन पर कैसे अफेक्ट पड़ सकता है। और फाइनेंशियल एडवाइजर, कंसलर्स और कंसल्ट से भी रेगुलरली एडवाइस लेते रहते हैं ताकि उनको सही गाइडेंस और पब्लिक सजेशन मिल सके। रिच लोग अपने वेल्थ को मेंटेन करने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं। वो समझते हैं कि वेल्थ की एक डेली
बिजली एलिमेंट है जिसके किस्मत और ग्रोथ पर चेंज होता रहता है, इसलिए वो अपने फाइनेंशियल प्लान को रेगुलरली से रिव्यू और अपडेट करते हैं ताकि उनकी वेल्थ की किस्मत और प्रॉफिट बढ़े। ये समझने के लिए जरूरी है कि हम अपने फाइनेंशियल मैटर पर विजिलेंट रखें। हमारी वेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हमें अपने इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन पर ध्यान देना जरूरी है। विजिलेंस हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को एसर्टेंट करने में हेल्प करती है। तो इस वीडियो में तो तुमने जान लिया कि थिंकिंग को चेंज कैसे करते हैं। अब तुम थिंकिंग से अपने माइंडसेट को तो चेंज कर लोगे, लेकिन तुम्हारी हैबिट ही खराब है तो इसका कुछ फायदा ही नहीं। अगर तुम जानना चाहते हो अपनी हैबिट को बेटर कैसे बनाएं तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तो बाय।